चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलने के बाद उनसे मिलने के लिए उनके पार्टी के नेता पहुंचे तो लालू प्रसाद यादव की ताजा जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आई। लालू इस तस्वीर में थोड़े से स्वस्थ नजर आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के चेहरे पर जो मुस्कान है, जो चमक है, वो साफ दिख रही है। हालांकि अभी भी उनकी तबीयत पे बहुत ज़्यादा जो सुधार है वो नहीं दिख रहा है। उनके हाथों में जो स्लाइन के लिए जो इंट्राकैट वो लगे हुए हैं। अभी वो दिल्ली एम्स में इलाजरत हैं, हालांकि वहीं उनको जमानत मिली है। अब तक कागजात पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाए हैं एम्स, और ना ही लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ पाए हैं। लेकिन उनसे मिलने के बाद जो तस्वीरें निकल के सामने आई, उस तस्वीर की चर्चा हम कर रहे हैं। आरजेडी के एमएलसी लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे थे और उनसे मुलाकात के बाद उन्होंने कई तस्वीरें साझा की है। इन तस्वीरों में राजद सुप्रीमो पहले से बेहतर दिख रहे हैं। आपको बता दें कि जब वो एम्स में एडमिट होने के लिए गए थे, उस वक्त की उनकी जो तस्वीरें थी जिसमें वो बेहद बीमार दिख रहे थे, इतने समय तक इलाज के बाद अब उनके चेहरे पर चमक दिख रही है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद उनके समर्थकों में एक बार फिर से उत्साह जग गया है। आपको बता दें कि लालू यादव के जमानत मिलने के बाद से ही आरजेडी में जश्न सा माहौल बना हुआ है, और इस बीच ये तस्वीरें आई है। हालांकि आरजेडी एमएलसी का कहना है कि पटना में भव्य तरीके से जो इफ्तार पार्टी का आयोजन संपन्न हुआ, इसकी जानकारी उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो को दी है, जिससे वो बेहद गदगद थे। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को लालू प्रसाद यादव को जमानत मिली थी। रांची हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद लालू यादव की जेल से बाहर आने के लिए जो पेपर वर्क है वो चल रहा है, लेकिन जो ताज़ा तस्वीर है उसमें उनके सेहत में सुधार देखी जा रही है। लालू यादव की तबीयत रिम्स के अंदर जेल गए, उसके बाद रिम्स भेजे गए और वहाँ रिम्स में इलाज के दौरान ज़्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें एम्स रेफर किया गया था। पुलिस की सुरक्षा में लालू प्रसाद यादव रिम्स से एम्स शिफ्ट किए गए थे, और अब जो तस्वीर आई है कि उनके चेहरे पर जमानत की खुशी साफ दिख रही है। हालांकि उनकी सेहत को देखते हुए अस्पताल से डिस्चार्ज करने पर अंतिम फैसला डॉक्टरों को लेना है। रांची हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू यादव को डोरंडा ट्रेजडी मामले में जमानत दी गई है। लालू यादव को जमानत के लिए 10 लाख रुपए भी देने पड़े हैं। यह सारी प्रक्रिया एक तरफ चल रही है। जमानत मिलने के बाद लालू यादव की पहली तस्वीर सामने आई है। आरजेडी के विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह ने लालू यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान लालू यादव के साथ उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीर में लालू की सेहत पहले से ठीक नजर आ रही है, लेकिन उनके हाथ में इंट्राकैट लगा हुआ है। इससे मालूम पड़ता है कि लालू यादव को लगातार इंजेक्शन या दूसरी तरह की दवाइयाँ। आपको बता दें कि लालू यादव की सेहत को लेकर फिलहाल एम्स प्रशासन की तरफ से कोई नई जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई है। लोग यहाँ दिल्ली बम्बई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना? नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बम्बई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल, अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।